example number second, urea, NH2 2CO, is prepared by reacting ammonia with carbon dioxide. Means जब ammonia react करता carbon dioxide से, then they form urea as well as water. In one process, एक process में हम क्या लिखते हैं? 637.2 gram of ammonia are treated with 1142 gram of carbon dioxide. हमें सिर्फ क्या दिया गया है? Weight of ammonia gram में दिया गया है. Again, weight of carbon dioxide means 637.2 gram of ammonia जब utilized होता है, हमें क्या मिलता है? Urea मिलता है. Again, second reactant क्या हमारा? ये वो हमारा R1, ये वो R2. R1 कितना लिया गया है? 637.2 ग्राम. अगेन R2 कितना लिया गया है? 1142 ग्राम. तो इस इन दोनों बेसिस पर हमें क्या मालूम करना है? Which of the two reactant is the limiting reagent? इसमें देखने का है कौन सा X as the limiting reagent, जिससे प्रोडक्ट कम मिलेगा. Therefore that particular reactant X as a limiting reagent. And next one क्या हो जाएगा? हमारा excess reagent. Second one क्या मालूम करना है? Calculate the mass of urea. Means हमें इस urea का mass, क्योंकि दोनों का mass दिया है ना, तो हमें इन दोनों के mass की basis पे product का भी mass calculate करना है. Third one, how much excess reagent in grams left at the end of reaction. Simple one है, जब limiting reagent used हो जाएगा, हमें product मिल जाएगा, तो उस basis पर जो हमारा excess reagent है, वो एक्सेस रिएजेंट कितना बचता है, क्या होता है? लेफ्ट एट द एंड, तो हमें जो रहता है प्रोडक्ट उसमें से उस एक्सेस को माइनस कर देंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा? हमारा कितना रिएजेंट बचा एक्सेस वाला, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. देखते हैं हम इस बेसिस पे इस केमिकल रिएक्शन की मदद से हम किस तरह लिमिटिंग रिएजेंट मालूम करेंगे. अगेन किस तरह हम वेट ऑफ और मास ऑफ यूरिया मालूम करेंगे, और जितना एक्सेस रिएजेंट बचता है उस चीज को हम विद हेल्प ऑफ माइनस और कैलकुलेशन की मदद से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट वन देखते हैं हम, हमें मास दिया गया है, मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ यूरिया. तो फर्स्ट निकालेंगे हम गिवन, निकालते हैं हम गिवन. गिवन क्या दिया गया था हमें? गिवन दिया गया था हमें मास ऑफ अमोनिया था, मास ऑफ NH3 कितना गिवन था? 637.2 ग्राम. अगेन नेक्स्ट वन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 1142 ग्राम. और क्या मालूम करना था हमें? मास ऑफ यूरिया मीन्स NH2 2CO, ये मालूम करना था. नेक्स्ट वन क्या था? ये मालूम करना था लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इसे मालूम करना है. थर्ड वन, जो एक्सेस रिएजेंट बचते हैं, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड, इसे मालूम करना है. हमें इन तीन चीज को मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या दी गई है? 2 mole of NH3, देन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, then they form urea, NH2 2CO, and then water molecules. हमें इसका मास दिया है, कितना मास दिया गया है? 637. इसका मास दिया गया है 1142. हमें इन दोनों मास की मदद से इसका मास मालूम करने. तो देखते हैं हम, ये बुक में इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है. हम विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड उससे हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं. नेक्स्ट वन, फर्स्ट अब यहां देखते हैं, हमें इस चीज को सॉल्व करने के लिए मालूम होना चाहिए मोलार मास ऑफ अमोनिया एज वेल एज मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. देयरफॉर वी कैन राइट हियर मोलार मास ऑफ NH3 इज ऑलवेज इक्वल टू 17.03 ग्राम पर मोल. अगेन मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है 44.01 ग्राम पर मोल. एंड लास्ट वन हमें लग सकता है मोलार मास ऑफ यूरिया
NH2 twice CO, ये होता है 60.06 ग्राम पर मोल। फर्स्ट जब एग्जांपल करते हैं सॉल्व, तो तमाम गिवन को जितना दिए गए हमारे प्रॉब्लम में उन तमाम को आप लोग इकट्ठा कर लेंगे, इसे हम लिख लेते हैं, तो इसके बेसिस से हम इजीली उसका फॉर्मूला डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहाँ पर हमें मास गिवन दिया है, अगेन हमारे पास मोलार मास भी आ गए है, तो इस बेसिस पर ये हुआ हमारा वेट, ये हुआ हमारा मास, मीन्स ये क्या हो गया हमारा W हो गया, अगेन ये क्या हो गया हमारा कैपिटल M हो गया, होता है ये वेट हो गया और क्या हो गया ये मोलार मास। इन दो मदद से हम क्या मान कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होगा हमारे, ये रिएक्टेंट 1 होगा, ये रिएक्टेंट 2, तो हम इन रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2 का नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे, देन इजीली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट एंड मोलार मास। W दिया है, M दिए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट वन लिखते हैं हम मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया क्या फॉर्मूला इसका, NH2 ट्वाइस CO2, इसे हम मालूम करेंगे, हमें पता है मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट हम मालूम करते हैं मोल्स ऑफ यूरिया NH2 ट्वाइस 2 CO, वी नो नंबर ऑफ मोल्स, क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, स्मॉल एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास, ये फॉर्मूला ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास एंड देन मोलार मास, हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्यों ले रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें गिवन दिया गया है, गिवन हमारे पास मास भी है और इसका मोलार मास भी, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया मालूम कर सकते हैं, therefore we can write here mass means weight of ammonia upon molar mass of ammonia, है हमें वेट कितना गिवन दिया है, कहा है हमारा वेट, कितना वेट दिया गया है 637 दिया गया है, अगेन कितना है मोलार मास 17.03 है गिवन दिया है ना, 637.2 अगेन 17.03, ये ग्राम, ये ग्राम पर मोल गिवन दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं, जिसका सॉल्यूशन जो आता है ये नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 37.416 मोल, पर मोल है हियर, ग्राम ग्राम गेट कैंसल, पर मोल जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा मोल, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 37.416 मोल। बट क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, देखते हैं केमिकल रिएक्शन में जब 2 times लेते हैं अमोनिया का तो क्या होता है 1 times यूरिया फॉर्म होते है ना, मींस जो रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, ये जितना लेंगे उसका हाफ क्या होगा हमें यूरिया फॉर्म होगा, तो सिंपल वन क्या लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया है लेकिन क्या होता है ये जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है यूरिया, तो अमोनिया 2 times रहते हैं बट यूरिया 1 times रहते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट हियर, किस तरह लिख सकते हैं हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया अपॉन 2, क्योंकि ये 2 times था ना, ये 1 time था, तो जो हमारा प्रोडक्ट ये आया, ये प्रोडक्ट दिया गया, इसीलिए हम इस चीज को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम 37.416 अपॉन 2 इज ऑलवेज इक्वल टू मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया NH2 टू CO इज ऑलवेज इक्वल टू मिलता हमें 18.71 मोल मिलता है, ये देखते हैं फॉर्मूला, मोल्स ऑफ यूरिया मालूम करना है लेकिन हमें यूरिया कुछ भी नहीं दिया, इसका वेट नहीं दिया गया है ना, मोल्स ऑफ यूरिया के लिए हमें क्या चाहिए, ये सिंपल फॉर्मूला था, अगर हम यहाँ लेते तो इसका वेट नहीं मालूम हमें, सिर्फ मोलार मास मालूम है, तो इसीलिए हमें विद हेल्प ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन हमें अमोनिया का मालूम है वेट, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, राइट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया
इसके बेसिस पर क्या होता है, मालूम होता है नंबर ऑफ मोल्स, बट अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन अमोनिया 2 times यूज होता है तो यूरिया 1 times फॉर्म होता है। देयरफॉर जो रहेगा ये अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स, उसको मालूम करने के लिए, यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमें अमोनिया क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आता है ये। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 18.71 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, है ना। इसको मदद से मालूम करें हम विद हेल्प ऑफ अमोनिया, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट 1। अब सेकंड रिएक्टेंट हमारा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस था। अब क्या होता है, हम लेते हैं सेकंड रिएक्टेंट मदद से। नेक्स्ट सेम रहेगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें गिवन दिया गया, कितना दिया गया है, 1142 ग्राम। अगेन मोलर मास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, 44.1 ग्राम पर मोल। देयरफॉर वी कैन राइट, जब हम कैंसिल करते हैं तो हमें इसका मिलता है रिजल्ट 25.95 नीचे मोल है, पर मोल आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा मोल। देयरफॉर वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 25.95 मोल। अब देखते हैं हम, बट अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमने क्या देखा था, ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन। 1 मोल ये कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या फॉर्म हुआ, 1 मोल ऑफ यूरिया। मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, क्योंकि ये भी 1 times है, ये भी 1 times है। तो वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इन टू ट्वाइस यू मीन्स इज इक्वल टू 25.95 मोल। अब यहाँ देखो, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन लिए कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, 25.95। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिए थे अमोनिया तो इससे कितना मिला था हमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया कितना फॉर्म हुआ था, 18.71 मोल। देखते हैं ये 25.95 मोल प्रोड्यूस हुआ किससे, रिएक्टेंट 2 से, लेकिन रिएक्टेंट 1 से कितना प्रोड्यूस हुआ, 18.71 मोल। देयरफॉर वी कैन से दैट हियर रिएक्टेंट 1 मींस NH3 एक्स एज क्या करेगा, कम प्रोडक्ट मिला, एक्स एज लिमिटिंग रिएजेंट, इसका प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा है। देयरफॉर यू कैन से दैट R2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज योर एक्सेस रिएजेंट। तो हम जब देता है मास तो हम उस मास के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और जब देते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो हम उसे इजिली कैंसल कर सकते हैं। ये वो फर्स्ट, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट भी आ गया और एक्सेस रिएजेंट भी आ गया। अब सेकंड वन क्या मालूम करना था हमें, मोलार मास ऑफ यूरिया। सेकंड क्या मालूम करना था, मोलार मास ऑफ यूरिया, देयरफॉर सॉरी मास ऑफ यूरिया मालूम करना था। क्या मालूम करेंगे हम, मास ऑफ यूरिया हमें पता है, मोलार मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना होता है, 60.06 ग्राम पर मोल। अब रखते हैं इसके अंदर फॉर्मूले में, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यूरिया का आया, है ना। अगेन क्या लेते हैं हम, ये वेट मालूम करना है हमें, मोलार मास ऑफ यूरिया मालूम है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर वेट ऑफ यूरिया मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया डिवाइड है आखिर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलार मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया। अब लेते हैं हम विद हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या था, अमोनिया था। अमोनिया के बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया था,
18.71, इसीलिए हम यहां क्या रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया 18.71 इनटू मोलार मास कितना दिया गया यूरिया का 60.06, इससे हम मान करेंगे वेट ऑफ यूरिया। देयरफॉर वेट, इसे हम और क्या कह सकते हैं, मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, मास ऑफ यूरिया इसका 1124 ग्राम, इसे करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आता है 1124 ग्राम। तो ये हुआ हमारा मास ऑफ यूरिया। अब नेक्स्ट हम मालूम करेंगे क्या बोला हमें, मास मीन्स वेट ऑफ यूरिया, हमारा सेकंड वन ये था। अब थर्ड वन हमें क्या मालूम करना था कि हमारे पास जो एक्सेस रिएजेंट रहता है कितना लेफ्ट, कितना बचता है। हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट था अमोनिया, बट एक्सेस रिएजेंट क्या था हमारा, एक्सेस रिएजेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम कह लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या मालूम करना है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं विद हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या देखे थे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया था इक्वल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, अगेन दिस वन इज एज इट इज होता है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया मीन्स वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया इंटू मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, बट अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया होता है, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया देयर, बट लेकिन नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया इज नथिंग बट वेट अपॉन मोलार मास ऑफ यूरिया। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया था वेट ऑफ यूरिया, ये आया था हमारा 1124 ग्राम अपॉन मोलार मास था इसका 60.06, मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नथिंग बट 44.01। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 823.4 ग्राम, मीन्स क्या हुआ हमारा, ये वेट आया 823.4 ग्राम, बट हमें क्या मालूम करना है, कितना रिमेनिंग बचता है लेफ्ट बिहाइंड, तो मालूम करेंगे हमें, बट हमें मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमेनिंग इन द केमिकल रिएक्शन। किस तरह मालूम होगा, जो हमें दिया गया था इनिशियल अमाउंट किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें से हम क्या मालूम करेंगे, जितना रिएक्टेड हुआ, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना इनिशियल था, हमें इनिशियल दिया गया था 1142, बट कितना यूज हुआ, कितना रिएक्ट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे रिएक्टेड, इतना रिएक्ट हुआ किससे, यूरिया, तो उस कंडीशन में क्या फॉर्म हुआ, यूरिया। तो देयरफॉर जो इनिशियल अमाउंट था, जो टोटल जो लिया गया था ज्यादा अमाउंट, तो वो था 1142, बट जितना रिएक्ट हुआ, कितना रिएक्ट हुआ 823.4, तो हमारे पास बचता है रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कितना बचता है 318.6 ग्राम, मीन्स ये नियरली इक्वल जो होता है 319 ग्राम, क्या होता है लेफ्ट बिहाइंड, देयरफॉर वी कैन राइट हियर मास ऑफ यूरिया क्या लिख सकते हैं हम, रिमेनिंग
mass of carbon dioxide is 319 ग्राम। आया तीन ही क्वेश्चन वाले तीनों जो था क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट वन क्या था, हमें मालूम करना था मास ऑफ यूरिया मीन्स NH2 2CO3, जिसमें मालूम करना था मास ऑफ यूरिया और वेट ऑफ यूरिया और वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना आया हमारा 1124 ग्राम। सेकंड जो मालूम करना था क्या था, सेकंड लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारा NH3। एक्सेस रिएजेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड वन था क्या, तो थर्ड वन एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट एट द एंड इज कितना है 319 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम इस बेसिस पर विद हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इजीली हम लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट और जितना एक्सेस रिएजेंट बचता है रिएक्शन खत्म होने पर, हम उसे इजीली विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला और दिस मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड हमें बुक में सॉल्व कर दिया गया है। अगर आपको लगता है मेथड इजी तो आप उसे देख सकते हैं, उस चीज को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड लगता है इजी तो आप इस मेथड को भी प्रीफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो आपको लगे इजी आप उस चीज को यूज करो, बट आंसर आपको आपका करेक्ट आना चाहिए। ये होता है विद हेल्प ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जो डेफिनेशन थी उस बेसिस पर हमने इस चीज को सॉल्व करा कि किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट मालूम होगा और किस तरह से एक्सेस रिएजेंट मालूम होगा। लिमिटिंग रिएजेंट इज नथिंग बट द क्या होता है, ये इसमें हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में दिया जाता है और जैसे ही उसका अमाउंट खत्म होता है प्रोडक्ट उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट इज नथिंग बट द विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट।